Hi everybody, welcome back to Daily English with me once again. So friends, today we are going to learn 15 new English sentences which are spoken in our day-to-day life. तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, जिससे मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेंटेंस. हम बाजार जा रहे हैं, क्या आपको आना है? वी आर गोइंग टू द मार्केट, डू यू वॉन्ट टू कम? वी आर गोइंग टू द मार्केट, डू यू वॉन्ट टू कम? नेक्स्ट है, मेरी बात तो सुनो. जैसे हम बोलते हैं अरे मेरी बात तो सुनो, तो इसे बोलते हैं लिसन टू मी एट लीस्ट, लिसन टू मी एट लीस्ट. नेक्स्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था. इट शुड नॉट हैव हैपेंड, इट शुड नॉट हैव हैपेंड. क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बाइक ले सकता हूँ? कैन आई टेक योर बाइक फॉर अ वाइल, कैन आई टेक योर बाइक फॉर अ वाइल. नेक्स्ट सेंटेंस है, कब तक झूठ बोलोगे? शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए. हाउ लॉन्ग विल यू लाई, डू नॉट बी अशेम्ड व्हेन यू लाई. हाउ लॉन्ग विल यू लाई, कब तक झूठ बोलोगे? डू नॉट बी अशेम्ड व्हेन यू लाई, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए. नेक्स्ट है, मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माना. आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड हिम अलॉट बट ही डिड नॉट बिलीव मी. आई ट्राइड टू अंडरस्टैंड हिम अलॉट बट ही डिड नॉट बिलीव मी. नेक्स्ट है, जो हो रहा है उसे होने दो. लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स. या फिर हम उसे एक और तरीके से बोल सकते हैं, लेट दैट बी व्हाट इज हैपनिंग, लेट दैट बी व्हाट इज हैपनिंग. ऐसा कैसे कर सकती है? हाउ कैन शी डू दिस टू मी, हाउ कैन शी डू दिस टू मी. नेक्स्ट है, मैं मान ही नहीं सकती कि वो ऐसा कुछ कर सकती है. आई कैन नॉट बिलीव दैट शी कैन डू समथिंग लाइक दैट, आई कैन नॉट बिलीव दैट शी कैन डू समथिंग लाइक दैट. नेक्स्ट है, खाना ठंडा हो रहा है. द फूड इज गेटिंग कोल्ड, द फूड इज गेटिंग कोल्ड. हरी अप डियर, जल्दी आओ. कम ऑन, कम फास्ट, कम ऑन, ऐसे भी हम बोल सकते हैं. नेक्स्ट है, हम कितने दिनों से घूमने नहीं गए हैं. हाउ मेनी डेज हैव यू नॉट बीन रोटेटेड, हाउ मेनी डेज हैव यू नॉट बीन रोटेटेड. रोटेट मीन्स हमने, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि रोटेट मीन्स ऐसे ही कहीं घूमने या टहलने निकल जाना. और आज का मेरा लास्ट सेंटेंस है, अब कब तक नाराज रहोगे? How long will you be angry now? How long will you be angry now? या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं, How long will you be upset? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ डेली यूज सेंटेंसेस. अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.